हाँ बे शराबी यार, एक काम कर यार भाई प्लीज, अहमद खान की नई पिक्चर आ रही है, लंडूरा बन जा उसमें यार। उसने मेरे को अभी अभी हीरो बनती में लंडूरा बनाया यार, प्लीज देख भाई। नहीं है, बॉडी भी दोनों की सेम सेम सी है, काम दोनों के पास ज्यादा नहीं है यार, प्लीज यार लंडूरा बन जा यार। अबे नहीं यार, मेरे को पहले ही एक था, विलन टू को भी तो बर्बाद करना है, वहां भी लंडूरा बनना है यार, प्लीज अंडरस्टैंड। अबे तू उसकी चिंता मत कर, वहां पे मैंने अपना हलवाई बिठा दिया है, अर्जुन हलवाई बिठा दिया है, वो एक्टिंग के नाम पे चुतिया पे के अच्छे घेवर बनाता है, तू चिंता मत कर, वो वहां पे संभाल लेगा, वो बर्बाद कर देगा एक था विलन टू को, तू चिंता मत कर यार प्लीज। हां बे शराबी, तू शराब के नशे में मलंग रहना मेरे भाई, तेरे को क्या दिक्कत है, मैं बैठा हूं ना यार एक था विलन टू में, मैं हक दूंगा, चिंता मत कर तू। और तेरे को तो वैसे भी पता है मैं ज्यादा दिन अगर घर पे बैठता हूं तो मलाइका कहती है योगा कर ले, और तेरे को तो पता ही है भाई योगा से मेरा तो कुछ नहीं होगा। ओके गाइस, तो डन है कि कच्ची गीली गैंग ने डिसाइड कर लिया है कि मैं करूंगा ओम, और सारे के सारे फोन कर दो अहमद को कि सारे मीम पेजेस को पैसे पहुंच जाने चाहिए मूवी रिलीज होने से पहले, और रिलीज होने के बाद हर जगह ये चलना चाहिए कि वाह क्या पिक्चर है, वाह बाय बाय कच्ची गीली गैंग, ओवर एंड आउट। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु, और ओम देखने के बाद मेरे घुटने ही कटोरी असली में छटक गई यार। जोक्स अपार्ट यार, मैंने अपना लेफ्ट नी फ्रैक्चर कर लिया है और काफी सीवियरिटी है उसकी, अभी जैसा डॉक्टर ने इत्तला करा है मुझे। तो गाइस प्लान मेरा ये था कि पहले ओम देखूंगा और थोड़ा गैप देके फिर रॉकेटरी देखूंगा, और उस गैप के बीच में मेरी मती मारी गई और मैं चला गया बास्केटबॉल खेलने, और वहां पे जैसे कि तुम्हारे को मैं बता ही रहा हूं, हो गए मेरे टटे शॉर्ट एंड कच्ची गीली, और अब पता नहीं मैं रॉकेटरी देख पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पेन में हूं अभी भी, मैंने अपनी लंगड़ी टांग ऊपर रखी हुई है। ओम मैंने देख ली थी, उसका रिव्यू ये रहा आपके सामने ऑनेस्टली सेइंग। तो गाइस रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात से परिचित कर दूं, और वो बात ये है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया में कुकेन की ऐसी खेती करता था, दर्दनाक खेती, ऐसी ही एक दर्दनाक खेती अहमद खान ने ठेके ले रखी है अपने सर, लेकिन वो कुकेन की नहीं है, वो है जहरीले सिंघाड़ों के जैसी मूवीज बनाने की, और इसका नशा सूंघ के नहीं करा जाता, इसका होता है विजुअल नशा। और अहमद खान को ये जहरीले सिंगाड़ों की खेती में आगे प्रोग्रेस करने से रोकने के लिए मैंने एक मुहिम छेड़ी है, और उसका हैशटैग है हैशटैग बस्कर अहमद। तो इस मुहिम में प्लीज आप मेरा हाथ बटाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए। अब चलते हैं काला धुआं छोड़ती टाटा इंडिका जैसी इस पिक्चर का रिव्यू करने। तो गाइस फाइनली ओम इज हियर, ओम आ गई है, ओम एक ऐसी पिक्चर है जो कोई चाहता ही नहीं था कि आए यार। हाँ भाई, ओम के लिए एक्साइटेड है? नो 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 नो, ओम देखेगा? नो गॉड, ओम देखने चलते हैं यार। इस पिक्चर का ट्रेलर देखते ही मैं समझ गया था कि अगर बागी और हीरोपंती का एक नाजायज लौंडा हो और वो भेंगा हो तो वो कैसा लगेगा, ओम कैसा लगेगा। रक्त रहे या ना रहे, राष्ट्र हमेशा रहेगा। अगर आपको लगता है कि शाहदरा मेट्रो स्टेशन पे एक छपरी कपल को मुंह पर चुन्नी डाल के पप्पियां करता देख काफी दर्दनाक हो सकता है, देन वेट टिल यू वॉच ओम। अगर आपको लगता है कि रशिया और चाइना के पास बायो वेपन है, वायरस है जो लोगों को बीमार कर सकते हैं, तो हमारे पास भी अहमद खान द्वारा प्रोड्यूस्ड ओम है, जिसको देखने के पूरे 3.5 मिनट के बाद चटाचट दोनों आंखों में मोतिया बिंद बैंग। और अगर आपको लगता है कि हीरोपंती से बड़ा और क्रिटिकल ओवरग्रोन हर्निया जैसा केस नहीं हो सकता, देन वेट टिल यू वॉच ओम, जिसको देखने के बाद आपके सर और आंखों में उतना ही दर्द होगा जितना दर्द तब होता है जब आपके घुंघरू कोई छनका जाए। न्यूक्लियर साइंटिस्ट देव राठौड़ का अपहरण, क्या उसने खुद की देश के साथ गद्दारी। तो भैया पिक्चर की स्टोरी कुछ ऐसी है कि पिक्चर शुरू होगी और 10 मिनट में ही आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये बात कि अहमद खान भाई साहब जब इस पिक्चर की स्टोरी लिखी जा रही थी तो उन्होंने बोला होगा राइटर को, यार मेरे को हो रही है कब्जी, मुझे खट्टी डकार आ रही है, मैं घर जा रहा हूं, तेरा पेपर है तेरा पेन है, जो करना है कर। तो भैया फिर क्या होना था, जब राइटर को पता लगा कि प्रोड्यूसर साहब ने बोला भैया जो करना है करो, तो उस भाई ने भी डाइल्यूटर की आधी बोतल सूंघी, एक भोला मुनक्का टपाया और पूरा का पूरा निबंध लिख दिया इस खरगोश के अंडकोश जैसी पिक्चर पर। पिक्चर शुरू होती है और शुरू के 5 मिनट में ही पहला इसमें एक्शन सीक्वेंस आता है, इस पिक्चर को मार्केट करा जा रहा है बोल के, भैया क्या जबरदस्त एक्शन है, एंड डोंट फॉरगेट कि हीरोपंती को भी यही बोल के मार्केट किया गया था, बागी को भी यही बोल के मार्केट किया गया, बहुत जबरदस्त एक्शन है, बहुत जबरदस्त एक्शन है। तो होता क्या है, ये भाई साहब आदित्य रॉय कपूर जी बेस जंप लगा रहे होते हैं 30,000-40,000 फुट से एक मिलिट्री कैरियर से। तो तुम्हें क्या लगेगा भैया एक मिलिट्री कैरियर से बेस जंप लगा रहा है भैया मिलिट्री वाला आदमी, तो कोई सूट पहना होगा, कुछ ग्लासेस पहने होंगे, कुछ तो पहना होगा, तो 30,000-40,000 फुट से वो जंप लगा रहा है। बट नहीं, ये तो मसाला पिक्चर है ना, तो वो भाई साहब ऐसे जाते हैं जय भवानी बटाक उड़ गए। और भाई साहब जब जंप लगाने के लिए खड़े होते हैं ना, तो तुम्हें लगेगा भैया पीछे से दरवाजा खुलता है प्लेन के, सक्शन क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, कुछ हवा लगेगी। नहीं, इन भाई के स्पाइक्स एकदम पहने नोकीले और ऐसे चल के आते हैं ये ब्रिम पे जंप लगाने के लिए, तुम्हें देख के लगेगा कि भाई साहब जंप तो लगा ही नहीं रहे, मनीष मल्होत्रा की फॉल विंटर कलेक्शन की शेरवानियों के शो स्टॉपर बन के आए हैं। उसका नाम है ओम,
जय भवानी। भाई साहब आदित्य रॉय कपूर पानी में कूदता है, सीधा पानी में कूद जाता है और सीधा पानी से ऐसे सुपर हीरो की तरह पानी के ऊपर से, नीचे जमीन नहीं है जिस पर से वो बाउंस ऑफ करके टप्पे टप्पा खा सके, नीचे से ऊपर उड़ के सीधा शिप के ऊपर। और जब वो शिप के ऊपर आता है तो क्या होगा, पानी से नीचे तो जब तुम आओगे तुम्हारे और मेरे बाल तो माथे पे आ जाएंगे हैं, लेकिन नहीं, आदित्य रॉय कपूर के तो स्पाइक्स बिल्कुल खड़े हुए हैं। There's literally a scene in the film जहां पर आदित्य रॉय कपूर जो एक नॉर्मल ह्यूमन है, कोई सुपर ह्यूमन नहीं है भैया, वो पिक्चर के अंदर वो चल के जा रहा होता है गुस्से में, दो लॉन्डे फुल साइज 100-100 किलो के बॉडी बिल्डर लॉन्डे उसको गर्दन और छाती से पकड़ लेते हैं और वो चल रहा है और वो उनको हवा में कैरी करता हुआ चल रहा है। मतलब अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ किसी मुझे ऐसे पकड़ ले तो दोनों उड़ रहे हैं मेरे पीछे और मैं वापस चल रहा हूँ। क्या मसाला पिक्चर है यार। क्लाइमेक्स में तो भाई साहब मैं क्या बताऊँ, एक ऐसा सीन आता है इतनी मोटी चेन, मतलब एंकरेज के लिए वो चेन यूज हो जाए, ये भाई एक हाथ से चेन को ऐसे घुमाते हैं जैसे एक्सटेंशन कॉर्ड खींच रहे हो बल्ब लगाने के लिए और उसका हुक फंसा देते हैं उड़ते हुए हेलीकॉप्टर पर, जिससे आ करके रोकता ही है, हेलीकॉप्टर को रोक रहा है, ये सुपर ह्यूमन नहीं है ये। तो आदित्य भाई साहब इस पिक्चर में कैरेक्टर प्ले करते हैं एक पैरा कमांडो का और ये पिक्चर में यहाँ पे लगा रहा हूँ, जरा देख के मुझे कोई बताएगा कि कौन सा पैरा कमांडो स्पाइक्स बना के घूमता है। भाई पूरी की पूरी पिक्चर में पैरा कमांडो कम पंजाब से भागा हुआ नशेड़ी जोगिंदर ज्यादा लग रहा है जो गोवा में रहता है, अब अपना नाम भी उसने जो रख लिया है, गांजा फूकने के चक्कर में बिल्कुल सूख गया है और शर्ट के बिना सिर्फ कार्गो शॉर्ट्स पहनता है और वीजा एक्सपायर्ड इजरायलियों को नकली रेव पार्टियों की नकली टिकटें बेचता है। पिक्चर में वेरी फनी कॉमेडी जोक्स भी हैं, तुम तैयार हो, मैं तुम्हारे को जोक सुनाऊंगा और हम दोनों साथ में हंसेंगे। आर यू रेडी? जोक नंबर वन, तेरे जीपीएस में एसयूवी था, ओह आई मीन एसयूवी में जीपीएस था। जोक नंबर टू, होप इज डोप। जोक नंबर थ्री, पिक्चर में WTF को बार बार इन अ कॉमेडिक सेंस ये बोला जाता है, व्हाट द शक एंड व्हाट द लक, व्हाट अ कॉमेडिक जोक। एंड फिर मैंने देखा, व्हाट इज अ टाइम, इट इज अ लेटर राइटिंग टाइम। डियर, अबे कहां का डियर, कौन सा डियर, पिक्चर है तू ऐसी बनावे है जैसे हो गंदे अंडरवियर। भाई अहमद वॉर क्राइम कर रहा है तू, ये जो पिक्चर बना रहा है, कभी सोचा है हीरोपंती देखने के बाद कितने बच्चे आड़े तिरछे पैदा हुए, कभी सोचा है ओम देखने के बाद कितने बच्चे अपनी नैकर में ही पोटी और पिशाब कर देंगे, नहीं सोचा होगा जनाब ने, क्योंकि ऑफकोर्स टैलेंट ही इतना है किलो भर हगने का। और ये मीम पेजेस को पैसा ठूस ठूस कर नकली कैप्शन लिखवा कर पिक्चरें नहीं चलती लियाकत मियां, पोटी को सूंघना नहीं पड़ता पोटी बोलने से पहले, और तुम्हारी पिक्चर ये वाली तो पोटी ही है। लोड़े का मेरा योर्स ट्रूली यार, क्या कहाँ का योर्स ट्रूली यार, तुम छोड़ो यार, यार इंडियन ऑडियंस यार। इस पिक्चर में इन्होंने पूरा पूरा जहाज ही नकली बना दिया भैया, एकदम ऐसा लग रहा है कार्डबोर्ड या थर्मोकॉल का जहाज लगा रखा है, उसको क्लोज शॉट ले रखा है बड़ा दिखाने के लिए, एंड एट द सेम टाइम दे हैव एक्चुअली मेड वेरी टैकी लुकिंग नकली हेलीकॉप्टर्स टू। तो इस पिक्चर में VFX कैसे करे जाने चाहिए उसका एग्जाम्पल और एक माइलस्टोन सेट होता देख मैंने सोचा कि कैसे इस पिक्चर के लोगों ने डिसाइड किया होगा कि VFX करे जाए। आदित्य यार तुम्हें कितनी बार बोला है यार ये मलंग नहीं है, ये शराबियों वाला लुक हटाओ यार, तुम आर्मी वाले हो इसमें, क्या VFX CGI के लिए पैसा चाहिए, अच्छे VFX करने, किस बात के लिए अच्छे VFX करने हैं भैया। अबे यार वो जो तुम्हारे को इंटर्न्स ने वो अपना रिज्यूमे भेजा है ना जिसके ऊपर तुम समोसे और पैटी रख के खाते हो, हाँ तेल वाले, उनमें से निकाल लो, उनमें से काफी लोगों को फोटोशॉप और वो आता है MS पेंट पे होता है ये, हाँ जिस भी सॉफ्टवेयर में होता है यार वहां से करवा लो यार, मेरा सारा पैसा लग गया इसके शरीर पे तेल लगाने में और इसको प्रोटीन शेक पिलाने में। अरे नहीं नहीं तुम करो यार, तुम अपनी टी शर्ट उतारो यार, कोई सरसों का तेल लगाओ, चमकाओ इसके एब्स को यार, फटाफट चमकाओ और भग जा तू यहाँ से, दोबारा मत आइयो पैसे मांग। मतलब स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट इतनी पुअरली, लेजी भी नहीं पुअरली लिखी गई है, इतना टिपिकल स्टीरियोटिपिकल ट्रीटमेंट है कि बेसिकली एक वेपन डेवलप कर लिया है इन्होंने, धीपीटी का गंडमरा सा वेपन, और उसको बेचने के लिए इंटरनेशनल स्मगलर्स के पास जाने, इंटरनेशनल क्रिमिनल्स, और इंटरनेशनल क्रिमिनल्स बॉलीवुड की पिक्चरों में कहां से आए, आज तक वो आए हैं रशिया से जो इस पिक्चर में है, कॉन्गो से जो इस पिक्चर में है, और बचे खुचे अल्बेनिया से आए हैं जिनको कुछ समझ ही नहीं आता, ये गोवा में घूमते हुए गोरों और कालों को ले आता है, यार तुम बैठ जाना, जो हम बोलेंगे तुम ऐसे ऐसे करते रहना, हम ऊपर से डबिंग डाल देंगे, ऐसा करना कि तुमने गुटखाएं चैनी खैनी चबा रहे हो, ठीक है। कुछ पार्ट रैम्बो 4 से उठा लिए, कुछ टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल से उठा लिए, कुछ उठा लिए कैप्टन अमेरिका से, और इन सबको
मिला के बनाया गया गधे की गांड। आशुतोष राणा और प्रकाश राज जैसे मंजे हुए कलाकारों से भी भद्दी एक्टिंग कैसे करवानी है वो इस पिक्चर के डायरेक्टर भाई साहब ने बड़ी सक्सेसफुली कराई। डायलॉग्स पुअरली रिटन तो है ही, बट साथ ही साथ इक्वली पुअरली डिलीवर्ड भी है, क्योंकि यार कितना भी मंजा हुआ कलाकार हो अगर स्क्रिप्ट ही डीपीटी की होगी तो भैया वो कैसे डिलीवरी देगा। यार मैंने सोचा कि इतनी बुरी डायरेक्शन, इतनी बुरी पिक्चर कोई कैसे कर सकता है, और फिर मैंने पता लगाया, मैंने थोड़ी सी जाके जांच पड़ताल करी और इंस्टाग्राम पे गया इस पिक्चर के डायरेक्टर यानी कपिल वर्मा जी के इंस्टाग्राम पेज पे, और वहां जाके जब मैं स्क्रॉल कर रहा था मैंने देखा कि इनका हाथ तो राधे बनाने में है। और बची कुची कसर जो बची थी इस पिक्चर में, नोरा फतेही का पालिका बाजार का वर्जन, एलनाज नौरोजी का एक आइटम सॉन्ग भी है इस पिक्चर में जो आउट ऑफ नोवेयर आ जाता है, क्योंकि रॉक है एजेंट तो भैया डांस बार में जाके ही पार्टी करते होंगे। तो गाइज ऑल इन ऑल ये पिक्चर बहुत ही वाहियात, बहुत ही खराब है। शायद ये अच्छी हो सकती थी, स्टोरी कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी तूल पकड़ती है, लेकिन फिर इतने सारे प्लॉट होल्स है पिक्चर के अंदर, कुछ भी हो रहा है, थर्ड ग्रेड पिक्चर लगती है पूरी पूरी, ट्रीटमेंट ही बहुत बुरा है पिक्चर का। और एक बात बताऊं तो आदित्य रॉय कपूर एक डिसेंट एक्टर है यार, मलंग में बहुत बढ़िया एक्टिंग करी थी उसने, लेकिन वो इस रोल में बिल्कुल नहीं जम रहा है। यहाँ पे भैया पता नहीं क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन ही कहीं और के हैं भैया, डायरेक्टर ने पता नहीं क्या माजरा लिखा है, स्क्रीन प्ले इतना गंदा है, स्क्रिप्ट इतनी गंदी है, पता नहीं कौन इन लोगों को पैसा दे रहा है प्रोड्यूस करने के लिए ये पिक्चर। आई हैव नो क्लू हु इज इवन वॉचिंग दिस। और सबसे हंसी की बात तो ये है, ये भाई की टारगेट ऑडियंस क्या है, CWE में जाके ये पिक्चर प्रमोट कर रहा है, एंड आई हैव नो क्लू कि ये पिक्चर कितना कमाएगी और जितना भी कमाए, दिस इज अ वेरी वेरी बैड फिल्म, एंड इट्स अ वेरी एस्टाउंडिंग एग्जांपल कि आज भी ये सब बॉलीवुड मसाले के नाम पे बेच रहा है। तो भैया जैसे मैंने तुम्हें बताया था मुझे रॉकेटरी भी करनी थी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको देखने, इनफैक्ट मैं अब देखूंगा भी, लेकिन यार मैं बहुत पेन में हूँ, हाई डोजेस ऑफ पेन किलर है मेरे ब्लड में अभी इस टाइम, इसलिए मैं ये शूट कर पा रहा हूँ, बट आई एम प्रीटी श्योर मेरी रात काफ़ी बुरी कटने वाली है, बट देन अगेन आई विल ट्राई एंड आई विल रिकमेंड इन द नेक्स्ट कि भैया रॉकेटरी देखनी चाहिए कि नहीं, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो ऑन द पॉइंट होगी, अच्छी होगी, इतनी तो बुरी नहीं होगी जितनी ओम है। तब तक के लिए तुम्हारे को 5 रिकमेंडेशन छोड़े जा रहा हूँ, वॉस्ट नेटवर्क, द कुरियर, सुजहाल द वॉटेक्स, ऑल द ओल्ड नाइव्स, ऑपरेशन मिन्स मी। तो भैया मैं चला, तब तक तुम्हें सारी रिकमेंडेशन चेकआउट करो, और जितना दूर रह सकते हो ओम से उतना दूर रहो, OTT पे भी देखने लायक ये है नहीं। अगले हफ्ते मिलते हैं, देखते हैं क्या करना है, तब तक के लिए मामा मियां लज़ाना, बाय बाय, पेंट से हाथ का। अब आगे चलते हैं इस सुलभ शौचालय के लवालब टट्टी से भरी पिक्चर में। हम देखिए पॉज कर रहा हूँ ना बीच में।